तो बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के कई जिले पानी का प्रकोप झेल रहे हैं और ये कहानी हर साल दोहराई जाती है। ना प्रशासन को पहले चिंता हुई ना आज है। कई गांवों का संपर्क ही टूट चुका है। किसी तरह जिंदगी बस रेंग रही है, लेकिन शासन प्रशासन गहरी नींद में सोया है। शायद इंतजार है उस दिन का जब टापू बने गांव जलमग्न हो जाएंगे। हर बार मानसून आता है और हर बार तबाही का मंजर लाता है। ना इसके लिए किसी मौसम विभाग की सूचना की जरूरत होती है, ना ही किसी भविष्यवाणी की। जुलाई का जलस्तर अगस्त आते आते आफत बन जाता है। बादलों का पानी जमीन पर बाढ़ बनकर बवंडर ले आता है। पूर्वांचल के कई जिलों के निवासियों की जिंदगी हम लोग बदला कराने वाले हैं। हम लोग हमेशा नाव से आते जाते हैं, स्कूल आने में बहुत डर लगता है और हमेशा इधर पानी लगा रहता है। देखिए, राप्ती घाघरा के बाढ़ से बरहत तहसील के लगभग 2 दर्जन गांव प्रभावित हैं। फिलहाल तो भदिला प्रथम मैरून हो चुका है। प्रशासन ने अब तक वहां नाव नहीं भेजी है और यहां पे जो कटान जारी है 1000 एकड़ भूमि अब तक किसानों कट चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये अभी की बात है, हर साल यही हाल होता है। पानी इनके जीवन में प्रलय से कम नहीं होता, लेकिन जिन पर जिम्मेदारी है आफत से निपटने की, वो इंतजार करते हैं उसके आने का। नाव की व्यवस्था करा दी गई है। बदिला गांव में हमेशा वो पानी से घिर जाता है वो गांव। कोई हम लोग हमारी जानकारी में नहीं था कि इतना बच्चे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप जानकारी मिला रहे हैं तो देख लेते हैं। गोताखोरों की व्यवस्था वहाँ पर करा देते हैं, 2-4 चौकसी में हमेशा रहें ताकि कोई ऐसी दुर्घटना न होने पाए। अगर होती है तो बच्चों को बचाया जा सके। कुशीनगर, देवरिया और आसपास के कई जिलों के लोग दशकों से बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे, लेकिन वेदना से बेपरवाह प्रशासन ना राहत पर ध्यान देता है ना पुनर्वास पर। ये आफत तो आदत में शुमार है इनकी, जैसे नियति का ये नरक इसको झेलना ही है। रही सही कसर हाकिम पूरी कर देते हैं। 5000 परिवारों की पीड़ा है ये। दशकों से झेल रहे हैं बाढ़ की विभीषिका, अब तक नहीं हुए पुनर्वास के प्रयास। ना हाकिम नजर आ रहे ना ही हुक्मरान। बिहार बॉर्डर से सटे 3 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित। हर हाल हजारों परिवार विस्थापितों की तरह शरण लेते हैं। हाल ये है कि कई गांवों का संपर्क बिल्कुल कट गया है। किसी तरह नाव के सहारे जिंदगी की नैया तैर रही है, जो किसी भी थपेड़े में डमाडोल हो सकती है। आलम यह है कि गांव के गांव टापू नजर आते हैं और जिन पर जिम्मेदारी है वो दूर दूर तक नहीं आते। क्या हाकिम हुक्मरान तब हरकत में आएंगे जब गांव के साथ जिंदगी ही जलमग्न हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ यदुवीर सिंह, समाचार प्लस। तो पानी पानी हो रहे हैं गांव, लोग परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी का कब निदान होगा ये किसी को नहीं पता। बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तारुफ में आपका करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मोहसिन रजा साहब जो बीजेपी के नेता हैं। हिलाल नकवी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। संजीव मिश्रा जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। संजीव जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। हर साल वही बात, वही दर्द, वही पानी, ये तस्वीर बदलती नहीं है। घनश्याम जी, तस्वीर क्यों नहीं बदलती है? प्रशासन अपना प्रयास करता है कि हर तरीके से वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के लोगों को सुरक्षा दी जाए। सर, बयानबाजी के जरिए तस्वीर बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, धरातल की बात कर रहा हूँ संजीव जी। धरातल पर भी आपको दिखाई दे रहा है आपके चैनल तस्वीरें। देखिए ना जरा, गौर से तस्वीरें देखिए सर, जरा गौर से। हाँ घनश्याम जी, तस्वीरें भी देख रहा हूँ, आपके बयान भी देख रहा हूँ। जो डीएम ने वहाँ बयान दिया है कि वहाँ नौकाएं उपलब्ध कराई गई हैं, और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हमारे रविदास मेहरोत्रा जी ने भी वहाँ के लोगों को कहा। तो इसमें नया किया जनाब? ये तो बातें तो आप कहने में एक्सपर्ट है ना, बातें तो आप कहते ही है। हालात कब बदलेंगे संजीव जी? मेरा सवाल ये था, कोई नयापन नहीं है सर, इसमें नयापन है ही नहीं कोई। आप तस्वीर बदलने की जब बात करते हैं तो हालात बदलते हुए दिखाई देने चाहिए। देखिए, हालात बदलने के ही प्रयास किए जा रहे हैं, और जितने प्रयास समाजवादी सरकार कर रही है उतने प्रयास कोई नहीं करता था। ये आज से नहीं, हमेशा से होता आया है, लेकिन किस तरीके से नौकाओं को वहां उपलब्ध कराया गया, किस तरीके से स्वास्थ्य, जैसे आपने क्या नया सर क्या नया बदलाव किया आपने पहली सरकारों के हिसाब से, जो आप कह रहे हैं कि पहले नहीं कोई भी करता था, क्या बदलाव है? 2 बदलाव बता दीजिए।
हाँ वही बता रहा हूँ घनश्याम जी, बड़े पैमाने पे वहाँ नौकाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे कि आदमी अपने आप को इधर से उधर सुरक्षित रख सके, कोई कमी है तो उसको पूरा किया जा सके, यही सब चीजें। तो आपदा आने से पहले प्रबंधन की जरूरत होती है संजीव जी, आपदा के बाद नौकाएं भेज के लोगों, नौकाओं का बड़े पैमाने पर। रजा साहब ठीक है संजीव जी, आप वहीं पे स्टकॉन रहेंगे। मोहसिन रजा साहब, क्या वाकई ये हालात बदलते हुए नजर आते हैं? क्योंकि जहां तक मैं अपना समझ पाता हूं और जहां तक मैंने अपने पत्रकारिता के दौरान इन सारे इलाकों को देखा है, समझा है, मुझे हर साल किसी तरह का कोई रद्दबदल नजर नहीं आता। कश्यप देखिए, सच्चाई ये है कि 4-4.5 साल की सरकार है, इसमें इन्होंने 4 मौसम तो कम से कम इस तरह के देखे हैं बारिश के, और 4 ही मौसम इन्होंने देखे हैं बहुत ज्यादा सूखे के भी अगर आए हैं तो वो भी देखे हैं। लेकिन सच्चाई यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि इनकी मंशा साफ नहीं है, मंशा पे खोट है, क्योंकि अगर इस तरह का डिजास्टर आएगा, इस तरह का नेशनल आपदा आएगी, अगर मान लीजिए प्राकृतिक आपदा आएगी तो प्राकृतिक आपदा में इनको कहीं ना कहीं से हाथ फैलाकर मांगना पड़ेगा। ये इंतजार करते हैं कि जब इनको केंद्र देगा तो उसमें से बंदर बांट करेंगे। इस जनता की इन्हें फिक्र अगर होती तो ये जो चीजें आपने कही कि प्रबंधन पहले से मौजूद रहता है, क्योंकि पानी बरसना है, जब मौसम बारिश का आता है तो तैयारी पहले से कर ली जाती है। किसान बेचारे अपनी खुद से सुरक्षा कर लेते हैं, वो पहले से ही अपने मवेशियों को अलग ले जाते हैं, खुद ऊंचाई पर चले जाते हैं, लेकिन सरकार नहीं जागती उत्तर प्रदेश की। लेकिन ये सारी जिम्मेदारियां सरकार की हैं, और फिर जब अभी बहुत ज्यादा प्रलय आ जाएगा तब ये दौड़ेंगे, चीखेंगे कि साहब हमको पैसा दीजिए, हमको पैसा दीजिए, तब ये केंद्र से मांगने लगेंगे। इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो सब डूब जाएंगे तब हम बचाने के लिए पैसा मांगेंगे, तो जो डूब जाएंगे उन्हें देना नहीं पड़ेगा, और जो पैसा हमारे पास आएगा वो डूबे हुए लोगों के खाते में हमें भी चढ़ा देंगे। तो ये सारा खेल होता है। हम इसमें कतई तौर पर ये राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि ये कोई एक दिन की समस्या नहीं है, ना एक साल की है। इस पर हर सरकार को, चाहे मेरी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो, आम आदमी परेशान होता है, गरीब आदमी परेशान होता है, उसकी परेशानी दूर करना सरकारों का काम होता है। तो ये ईमानदारी से काम करें, बेईमानी करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर नकवी, जो सिर्फ पैसे सरकार देख रही है, 2 साल से केंद्र सरकार देख रही है कि कब बाढ़ आए और कब उत्तर प्रदेश सरकार इनसे मांगे जा करके, तब ये देने का प्रयास करें। मतलब देखिए किस तरीके की दयनीय स्थिति है केंद्र सरकार की और यहाँ बैठे उनके प्रवक्ता। तो सर केंद्र सरकार के बूते ही थोड़ी राज्य चलाएंगे आप तो अपनी केंद्र सरकार भी देख रही है ना सर, आपको पता है ना, बात तो आप कह सकते हैं। हर साल केंद्र सरकार को भी जब मालूम है कि बाढ़ आएगी तो पहले ही उसकी कोई जवाब, कोई तर्क नहीं है। अब बिला वजह की बात करना है, उन्हें इल्जाम लगाना है तो इल्जाम लगाने के लिए तो केंद्र आप क्या कर रहे थे? आप भी तो इल्जाम ही लगा रहे थे कि ये हमसे मांगेंगे, आपकी जिम्मेदारी 4.5 साल में समझ नहीं पाए। आपको पता है ना, आज आप देख रहे हैं सारे पहले ही पैसा बता रहे हैं कि लोग परेशान है, सारे विजुअल्स बता रहे हैं। आप देखिए सारे विजुअल्स में लोग परेशान हैं, लेकिन आप 4.5 साल से नहीं जागे। आप 2 साल से सरकार चला रहे हो ना, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश की। डॉक्टर नकवी, डॉक्टर नकवी सर ठीक है आपकी बात। डॉक्टर नकवी, क्या वाकई ये सारे पैसे मिलने और ना मिलने का खेल है, या फिर इच्छा शक्ति भी बहुत बड़ी वजह है जो फिलहाल नजर नहीं आती? हर साल रिपीटेटिव फॉर्म्स में हम यही विजुअल इन्हीं तस्वीरों के साथ इसी पीड़ा के साथ देखते और दिखाते हैं। क्या सिर्फ पैसा ही एक वजह है, या मैनेजमेंट ही नहीं हो रहा, वो मैकेनिज्म ही नहीं है असल में? घनश्याम जी देखिए, यहाँ के पर हम इसको जो पूरी डिबेट है, अगर हम इसको 2 भागों में विभाजित करें तो समझना आसान होगा जनता के लिए भी। एक बात हम सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक वो हिस्सा है जहाँ के ऊपर हमेशा बाढ़ आती है, अगर पानी नहीं भी बरसता है तो कहीं ना कहीं से जो है वो पानी छोड़ा जाता है, जिसके अंदर नेपाल से ज्यादातर होता है कि वहां से जो है पानी छोड़ा जाता है, और पिछले साल सूखा था उसके बावजूद भी बुरी तरह से बाढ़ आई थी ईस्टर्न यूपी की जो डिस्ट्रिक्ट है। ये बात कोई नई नहीं है, हर साल होनी है, हर साल जो है वो हमको मालूम है कि इस प्रकार की स्थितियां बननी है। उसके बाद भी अगर हम इंतजार में बैठे हुए हैं कि जब परिस्थितियां आएंगी तब देखा जाएगा, तो ये दिखाता है कि इसके न कहीं भी आपके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, और साथ ही साथ आपके पास प्रशासन करने का ना तो तजुर्बा है और ना ही आप प्रशासन देने में सक्षम है। ये दोनों बातें तो वहां से साफ समझ में आती है। अब यहाँ पे जब केंद्र और राज्य की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इसके अंदर राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि राज्य सरकार जो है वो पहले से ही वहां पे मैनेजमेंट करे। लेकिन जब हम पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो यहाँ के बहुत से रिलीफ फंड्स बने हुए हैं, और ये जो रिलीफ फंड्स बने हुए हैं या जो केंद्र सरकार पैसा देती है वो हम नहीं देते हैं,
कोई अपनी जेब से नहीं देता है, कोई अपना चेक काट करके नहीं देता है, ये हमारी जनता का ही पैसा है जिसको कि जनता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो बयान है ये अपने आप में बड़ा आपत्तिजनक है कि कोई कहे हमने पैसा दिया, हमने ये किया, आपने क्या दिया भाई? टैक्सदाताओं का वो पैसा है जिसको कि आपको देना ही चाहिए, आपको करना ही चाहिए, कोई जो भी वहां पर सरकार बैठी होगी वो ये कार्य करेगी। एक बात तो ये भी, दूसरा इसके अंदर जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये आता है कि अभी देखिए जो बाढ़ वाले क्षेत्र है यहाँ के पर नाव का इंतजाम किया जा रहा है, नाव पहुंचेंगी, कब उनको वहां से रिलीफ दिया जाएगा, अभी तक की कोई रिलीफ काम जो है वो सेटअप नहीं हुए हैं। आप देख लीजिए, आपके पास यहाँ के पास विजुअल्स मौजूद है, कहीं दिखा लिए कि सरकार ने जो है कोई रिलीफ कैंप सेटअप किया हो, कहीं के ऊपर फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई काम किया गया हो, वो भी हमको देखने को नहीं मिलती है। आपने नाव पे बैठा करके क्या करेंगे उन लोगों को? उन लोगों को ले जाकर के कहां छोड़ देंगे? तो संजीव जी तो उसी में बहुत खुश है ना कि डीएम ने ये नाव भेज रहे हैं, वो तो उसी में प्रफुल्लित है, दिखाई देता है कि वहां के पास कोई इस तरह का मेडिकल कैंप्स लगे हो जो कि इन लोगों को जवाब दीजिए, इससे सहायता भी दे सके। एक सेकंड और लेंगे घनश्याम जी, बस एक घनश्याम जी एक सेकंड और लेंगे। अब इसके बाद क्या होएगा कि अब यहां पर बीमारियां फैलेंगी, तो जब सरकार जो है वो नाव का इंतजाम कर रही होगी तो बाढ़ जो है वो खत्म हो चुकी होगी, बीमारी फैली होगी, तब वहां के ऊपर नाव भेजी जा रही होगी। यानी जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से इंतजामात नहीं है और इसी मैकेनिज्म का जिक्र हम लगातार कर रहे थे। संजीव जी, डीएम की बाइट सुन के या मंत्री साहब की बाइट सुन के आप खूब प्रफुल्लित हुए, खुश भी हुए कि हमारे इंतजाम है, लेकिन जिस महत्वपूर्ण चीज पर जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर नकवी, उसके हिसाब से इंतजाम तो है ही नहीं ना। जो चीज हुई नहीं उसका इलाज आप करने बैठ जाते हैं तो फिर तकलीफ दूर कैसी होगी? सर, 4-4.5 साल में तो समझ जाना चाहिए था, और अब तो चुनावी साल है, अब तो बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए था। घनश्याम जी, उत्तर प्रदेश का शासन अलर्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अलर्ट है, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी कि वहां के स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया कि जो दिमागी बुखार की बीमारी है उसके लिए अभी से शुरुआत की कर दी गई है। ऐसे समय में केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलता है कि साहब वहां पर ये जो दिखाई दे रही है नाव, इस ये कहां जा रही है, क्या जंगल में जा रही है, ये कह देने से काम थोड़ी ना चलता। आपके पास कोई सुझाव हुआ करें, उनको भी दिया करिए। विरोधी दलों का काम ये नहीं होता कि ये नाव किधर जा रही है, जंगल में जा रही है या लंदन में जा रही है, ये ना कहिए, बल्कि कोई सुझाव हो। ये विजुअल देख पा रहे हैं संजीव जी, और नाव के ऊपर बाइक और नाव के ऊपर बच्चे, इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या समझते हैं सर आप? कितना अप्रत्याशित लगता है घनश्याम जी। देखिए, आरोप तो छोड़ दीजिए जनाब, ये बता दें इन तस्वीरों को देखिए, समझदार लोग हैं, इन तस्वीरों को देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, कम से कम इनको एक कुछ सुझाव देने चाहिए कि इसको ऐसे नहीं ऐसे भी कर लीजिए। विपक्ष का काम केवल ये नहीं होता कि केवल आप आरोप लगा दे साहब ये नाव कहाँ जा रही है, ऐसे नहीं, कम से कम थोड़ा सा सहानुभूति रखिए। कहीं बाढ़ आती है, वहां के लोग जो है बेघर होते हैं, आप कम से कम कुछ तो सहनशीलता, सहानुभूति, मानवता और आंखों में शर्म नाम की चीज रखिए। अच्छा, बता तो दीजिए सर, आप बता दीजिए ना, इन तस्वीरों को देख के क्या समझ रहे हैं सर? नाव के ऊपर बाइक, नाव के ऊपर बच्चे, लोगों के घरों में पानी भर गया, इसीलिए नाव वहां पे अवेलेबल कराई गई है कि कहीं ऊंची जगह पे उन लोगों को शिफ्ट किया जा सके वहां। सर, ये तो मोस्ट सेंसिटिव जगह है ना सर, ये तो पहले चिन्हित कर ली गई थी, ये तो अति संवेदनशील जगह है, ऐसे मौके पे होते हैं तो सर जब जाता हर चीज का प्रयास। सर, जो मोस्ट सेंसिटिव जगह है, जो स्पॉट्स पहले से चिन्हित है, तो वहां से लोगों को क्यों नहीं हटा लिया गया पहले? प्रयास किया जाता है। कैसा प्रयास? लोगों को लगता है, कैसा प्रयास को लगता है कि वहां तक नहीं पानी आएगा, अगर जब पानी आ जाता है तो नाव की सरकार को नहीं लगता वैसे वो मेरे उचित जगह पे पहुंचाए जाए। मेरे हिसाब से आप ही लोग एनालिसिस नहीं कर पाते कि पानी पहुंचेगा कहां तक। देखिए घनश्याम जी, ये तो तय मुझे लगता है कि हम और आप लोग वाकई में नहीं कर पाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये है कि उसके अवेलेबिलिटीज, उसकी व्यवस्था, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था, वहां के इंतजाम को किया जाता है और जो दिखाई दे रहे हैं। सर, लोग परेशान है, आपने सुना ही नहीं फिर इसका मतलब, सिर्फ आप डीएम और मंत्री साहब तक ही सिमट के रह जाते हैं। लेकिन नकवी साहब, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये विपक्ष सिर्फ विपक्ष की भूमिका ना निभाए ना, कुछ कॉन्क्रीट भी करे, आरोप लगाना एक अलग बात है, अगर वाकई सेंसिटिविटी है, संवेदनशील आप हैं, तो फिर लोगों के जज्बातों को भी समझे, आगे आए और सरकार के साथ काम करे। हालांकि थोड़ा बहुत अप्रत्याशित है ये, लेकिन फिर भी कहा तो और किया तो जा सकता है, सरकार को सुझाव दें और घनश्याम जी, संजीव जी कह रहे हैं सुझाव दें, तो हम यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की एक विशेषता है कि सुनती आधा है, समझती चौथाई और बोलती दुगना है। हमने क्या कहा? हमने क्या ये कहा कि उनको जंगल ले जाया जा रहा है या लंदन ले जाया जा रहा है, लेकिन जब सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो और उसकी मतलब नुमाइंदगी जो है दोबारा देख लीजिएगा। अब जो है वो यहाँ के ऊपर एक स्पष्ट सी बात है कि आपने रिलीफ कैंप क्या लगाए हैं,
जो ये नाव से लोग आ रहे हैं, क्या ये रिलीफ कैंप में उतरते हुए नजर आ रहे हैं? अगर हम ये कह रहे हैं कि रिलीफ कैंप होना चाहिए तो चलिए आपने तब नहीं लगाया, अब आप रिलीफ कैंप जाकर के वहां पे लगा दीजिए। मेडिकल फैसिलिटीज आप तब नहीं दे पाए, अब जाके दीजिए। तो पहले तो आपको ये मानना होगा कि आपने ये काम नहीं किया है। लेकिन जहां के पर सिर्फ और सिर्फ पूरी सरकार 4.5 साल से घोषणाओं पे चलती रही, जहां के पर लगातार योजनाओं की घोषणा होती रही, और तो और नेताजी भी कहने लग गए कि भैया घोषणाओं के बाद अब कभी कभी उसका उद्घाटन भी तो करो, तो वही तर्ज के ऊपर 4.5 साल जैसे सरकार चली है, बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर ये जो 6 महीने अंतिम समय है उस वक्त भी इसी तरह से ये सरकार चलती नजर आ रही है। और इसके अलावा सुझाव और इनको क्या दे? आपको किसी तरह की आवश्यकता है, आपको कोई मना कर दे कि आपको आवश्यकता जो है उसको हम नहीं पूर्ण करेंगे, तो कहें आप अपने रिसोर्सेज जनरेट नहीं करते, आप अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं करते, आप अपने बजट का तक की तो इस्तेमाल कर नहीं पाते। पूर्वांचल के लिए जो टोटल बजट अलॉटेड था, जिसके अंदर बाढ़ की विपदा से भी निपटने का पैसा एलोकेट किया गया था, 30% भी नहीं खर्च हुआ है। इसके बारे में आप कहीं भी पता कर सकते हैं, संजीव भाई खुद भी जानते होंगे कि 30% भी उसका खर्च नहीं किया गया, बाकी 70% क्या कर रहे हैं, किस काम के लिए उसको छोड़ा दिया है उन्होंने। तो आप अपने रिसोर्सेज का यूज नहीं करते, उसके बाद कहते हैं कि विपक्ष जो है वो असंवेदनशील है, आंखों में शर्म नहीं है। साहब 30% आप खर्च कीजिए, बेशर्मी का काम जो है वो ये सरकार करे, और शर्म दिखाए विरोधी दल को या विपक्ष को, क्या अजीब गरीब यहाँ के पर है। इसी कहते हैं यही अजीब गरीब स्थिति मोहसिन रजा तब भी दिखाई देती है जब पूर्वांचल को हम सियासी खाके में बहुत इंपॉर्टेंट नापते हैं, सीटों के लिहाज से, सत्ता में आने के लिहाज से, और हम सोचते हैं जिसने पूर्वांचल साथ लिया तो लगभग उसने सारी चीजें साथ ली मान लिया जाता है। लेकिन हम वैसे हालात देखते हैं तो बहुत इतर है। कैसे वोट लेने जाएंगे लोग, कैसे बताएंगे कि हम आपके हितेशी हैं, और कैसे समझाएंगे ये पानी पानी जो हुआ जा रहा है सारा माहौल, वो असल में सियासी स्वार्थबाजी का नमूना है? नहीं देखिए, सबकी जिम्मेदारी बनती है, और खासकर देखिए जो सरकार में है इससे नहीं निकलना होगा बाहर। और जो बात आपने कही मैं वहां पर भी आना चाहता हूं कि सबकी जिम्मेदारी, मैंने बार बार कहा, कोई भी सरकार हो, जैसे मान लीजिए आप अगर अभी बात निकाल कर लाए कि हमारे सांसद हैं, तो हमारे सांसद भी ऐसा नहीं कि सुझाव नहीं देते हैं। भाई देखिए, केंद्र में अगर सुझाव जाता है पहले से हमारे सांसदों के द्वारा, तो पैसा जो आएगा वो आता है उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में। यहाँ खजाने में जब पैसा आता है, पैसा वो सब जनता ही का पैसा है, चाहे भारत सरकार के पास हो चाहे प्रदेश सरकार के पास हो, लेकिन उस पैसे को ईमानदारी से, जनता का पैसा जब आता है वहां से आपके पास, उस तरह का पैसा भेजा जाता है हर आपदा से निपटने का, तो वो पैसा कम से कम ईमानदारी से वहां पर लोग रखिए, वहां पर प्रबंधन रखिए, और उन गरीबों का पैसा है उन तक पहुंचाइए, उनकी समस्या का समाधान कीजिए उस पैसे से। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ हम आरोप लगाने लगते हैं एक दूसरे पर बैठ के। ये आरोप लगाने का समय नहीं है, इस समय जरूरत है, और अभी ये कोई ऐसा नहीं है, अभी बाढ़ की शुरुआत है, अभी किस लेवल तक बाढ़ जाएगी, अगर पानी बहुत बरस गया और आसपास के मुल्कों में, मान लीजिए नेपाल ने पानी ज्यादा छोड़ा और उत्तर प्रदेश में भी पानी ज्यादा ईस्टर्न यूपी में बरस गया, तो इसकी स्थिति कितनी भयानक होगी कोई सोच नहीं सकता है। तो हमें तैयार रहना चाहिए इसके लिए, ईमानदारी से इसमें भाई, कोई राजनीति की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मौसम भाई, कोई विहंगम स्थिति थोड़ी है, ये बहुत अचानक से हुआ भी चीज नहीं है, हर साल होता है। हम तैयारी कर रहे हैं, अब हम तैयार हो जाएं, पहले से तैयारी क्यों नहीं, मेरे ये समझ में बात नहीं आती। देखिए वही चीज जो आपने बात कही, मैंने कहा ना कि जब आप इंतजार करिएगा कि बारिश होगी तो हम छतरी खोलेंगे, या हम तब अपने छत के ऊपर जाएंगे देखने कहां से पानी सीपेज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जब तेज बारिश होगी तो आप भी भीग जाएंगे और वो छत भी बह जाएगी। तो वो उस स्थिति में है उत्तर प्रदेश की सरकार कि आप पहले से इंतजाम करते नहीं है, जब बारिश के दौरान आप निकल कर बाहर आते हैं, छाता एक होता है, आदमी 10 होते हैं उसके नीचे, तो जाहिर सी बात है भीगेंगे भी और बहेंगे भी साथ में। तो ये स्थिति जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी बनाकर रखी, और ये जिम्मेदार सरकार है। ऐसा नहीं कह सकते कि खाली आपको कह दीजिए कि नहीं साहब वो आपके, आपको पैसा देना है और आपका पैसा नहीं है वो जनता का। अरे भाई जनता ही का पैसा सरकारों के पास होता है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, ईमानदारी से उनका पैसा तो उन तक पहुंचने दीजिए, उनकी जिम्मेदारियां उनकी तक बांटिए, तो आप बैठ के सरकार में वादे करने से कुछ नहीं होगा। संजीव जी, आप विकास की ढेरों बातें कर लें, फिर आप मेट्रो गिनवाने बैठ जाएंगे मुझे, और गिनवाने बैठ जाएंगे अपने हाईवेज, लेकिन मैं तस्वीर जब ये देखता हूं तो फिर वो विकास नजर नहीं आता। और ये भी अहम हिस्सा है ना सर प्रदेश का, ये अनदेखी क्यों? और ये विकास की परिभाषा आपको सही तरीके से गढ़नी होगी सर। चुनावी साल है, पिछले सालों में तो फिर भी चली बातें खप गई, लेकिन इस बार तो कॉन्क्रीट चाहिए लोगों को। देखिए घनश्याम जी, सारी बातों से मैं इत्तेफाक रख रहा हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं है। गलती हुई आपसे ना, मैनेज नहीं कर पाए ना, मैं मान लेना गलती हुई आपसे। घनश्याम जी सुनिए, मेरी बात आने दीजिए।
रिलीफ कैंप की बात कर रहे हैं, रिलीफ कैंप वहां पे लगे होंगे, अगर नहीं लगे होंगे निश्चित रूप से उस पर जांच की जाएगी कि कहां कहां नहीं लगे और कहां ये लोगों को भेजा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन रिलीफ कैंप होंगे वहां पे, हो सकता है कि आपके विजुअल में ना आ रहे हों, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जब आरोप भी नहीं लगाएंगे आप और आरोप भी लगाएंगे कि भाई ऊपर अगर मान लीजिए बारिश पानी जब बरसता है तब उत्तर प्रदेश सरकार को समझ में आता है कहाँ कहाँ सीपेज है, तो क्या केंद्र सरकार को पहले ही समझ में आ जाता है बरसात के पहले ही कि कहाँ कहाँ सीपेज है? तो ये सब ना करिए। ईमानदारी सरकार चाहे कोई की रही हो, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, वहां पर एक हेड रखा होता है, घनश्याम, एक पैसा रखा होता है, उस पैसे का इंतजार अगर सरकार करेगी तो ये बेईमानी की बात है, ये ईमानदारी की बात नहीं है। वो पैसा भी सरकार का, जनता ही का पैसा है, लेकिन अगर आप उसके लिए इंतजार करेंगे संजीव भाई, तो वो पैसा ईमानदारी की बात नहीं है, वो जनता के साथ बेईमानी है। समय आने दीजिए, आप अपनी बात भी रखिए। देखिए एक बात बहुत साफ है कि अगर आपको मालूम है और आपको यह भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार आपसे तब मांगेगी तो तब का क्यों इंतजार कर रहे हैं? मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूं आपसे, राय दे रहा हूं आपको कि कम से कम केंद्र सरकार से कह के अगर कोई रिलीफ फंड, संजीव जी ये सब पैसों के अभाव में थोड़ी हुआ है, आप क्या बात करते हैं सर? वही बात आ गई, पैसा चाहिए है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। तब ये मांगते हैं संजीव जी, पैसे कब, पैसे की कमी की बात आप तब करते हैं सर, पैसे की कमी की बात आप तब करते हैं जहाँ 10 नाव पहुँचनी थी वहाँ आप 5 ही पहुँचा पाए, आप तो 5 भी नहीं पहुंचा पाए। श्याम जी पूरी बात कुछ तो कोशिश करिए सर, दो जनपदों में अगर पानी आया है तो 30% खर्च हुआ है, अगर और जगह पानी सर दो जनपदों के गांव को गिनिए सर, आप आबादी को गिनिए, 5,000 परिवार बोलिए, आप और हल्के में आंक रहे हैं संजीव जी, आप हल्के में आंकते हैं क्या? भौगोलिक बातें नहीं जानते, बहुत हल्के में आंक रहे हैं, 5,000 परिवार हैं सर, दो जनपद मत बोलिए, 5,000 परिवार बोलिए सर, तभी तो देखिए आप तो इतने बड़े मामले को यूं ही हल्का कर देते हैं, आप दो जनपद बोलिए, 5,000 परिवार बोलिए ना। समाजवादी पार्टी की खासियत है, समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी खसूसियत है कि वो बड़े बड़े मामलों को बहुत छोटा करके बताती है जनता को। बिल्कुल, भाजपा को ज्यादा मालूम है कि समाजवादी पार्टी की क्या खासियत है, उनको अपने बारे में नहीं मालूम। ठीक है संजीव जी, अब प्रधानमंत्री देश में कि विदेश में, ठीक है आप समाजवादी पार्टी, समझ गया मैं बात सर। संजीव जी थोड़ा संजीदगी से होना होगा, क्योंकि चर्चा को आगे आप बढ़ाऊंगा तो फिर आप 200 रुपए की अरहर की दाल वाला डायलॉग सुना देंगे, फिर वो सारी चीजें बदल जाएंगी, है ना सर? फिर डिलेल हो जाएंगे सर हम, फिर ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, इल्तिजा यही है कि थोड़ा संजीदगी से आप देखें कहां क्या जरूरत है, लोग बेहद परेशान हैं, और दो जनपद करके मत आके सर, 5,000 परिवार करके आकेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का स्टूडियो में आने के लिए, अपनी राय रखने के लिए।